दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को 78,000 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ से मुक्ति, 1600 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर समेत तमाम बड़े ऐलान किए गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये नवा बजट था। इससे पहले के सभी 8 बजट मनीष सिसोदिया ने पेश किए। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली विधानसभा में अक्सर टकराव ही रहता है, लेकिन पंजाब में बुधवार को उल्टा नजारा देखने को मिला। अमृतपाल सिंह के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ तो कांग्रेस और अकाली दल ने वॉकआउट कर लिया। वहीं भाजपा ने अमृतपाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का समर्थन किया है। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को अहम बैठक करेंगे। इस दौरान देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कोरोना के मामलों में तेजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए यह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है।